इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि वो हर एक बच्चा जिसका आधा साल बर्बाद हो चुका है एंड वो अब डर चुका है, वो नहीं चाहता कि मेरा प्री बोर्ड्स भी बर्बाद हो या मेरा जो आधा साल है वो उसको बचाना चाहता है, तो प्लीज़ ये वीडियो तुम्हारे लिए एंड तक ज़रूर देखना। प्लीज़ कहीं भी स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट। रैंक आ गई, मेरे अंदर घमंड आ गया, भाई अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ये नहीं सोच रही कि उसको सुधारना कैसे, बिकॉज अक्टूबर आ चुका है, नवंबर दिसंबर में हमारे प्री बोर्ड होते हैं। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिकेट, यहां पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। तो फाइनली आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने पास जो भी तुम्हारे काम है साइड में रखो, उनको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि अब तुमको ये एकदम चीज़ें ध्यान से सुननी है, बिकॉज इट इज़ फॉर योर बेनिफिट नॉट फॉर माई बेनिफिट, ठीक है। मेरे लिए कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आई नो तुम क्लास टेंथ में हो एंड बहुत से लोगों की मेजॉरिटी इस समय भी हाफ ईयरली गए होंगे एंड बहुत से लोगों का रिजल्ट बहुत कम आया होगा। रिजल्ट तुम लोग का आया होगा 30%, 40% या तुम्हारा 50% आया हो, 60% आया, बट अब तुम्हें डर लगने लगा है कि चलो भाई एक बार पीरियोडिक में कम हो गए तो ठीक है, अब हम हाफ ईयरली में सुधार लेते, बट हमने नहीं कर पाए। अब डर लग रहा है कि भाई शायद क्या हम प्री बोर्ड में अब कर पाएंगे, बिकॉज अक्टूबर आ चुका है, नवंबर दिसंबर में हमारे प्री बोर्ड होते हैं, ठीक है, दिसंबर में हमारे प्री बोर्ड हो रहे होंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही बचेंगे, और 2 महीने में भी हमारे स्कूल का सिलेबस भी चलेगा भाई, उसको भी कंप्लीट करना है। जब वो सिलेबस कंप्लीट हो तब हम उसकी रिवीजन करेंगे, और जो हमारा पहले का वो पहले से वीक है उसको भी हमें रिवाइज करना है। तो क्या ये 2 महीने हैं जो क्या हम उसमें अपने आप को सुधार सकते हैं या नहीं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो के 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, मीन्स 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में, पहले तुम्हारा इमो फैक्टर्स है, सेकंड तुम्हारा स्टडी फैक्टर्स है, एंड थर्ड तुम्हारा कंक्लूजन है, ठीक है। सबसे पहले हम इमो फैक्टर के बारे में बात करने वाले होंगे, ठीक है, इन तीनों को डिवाइड कर लिया जाए। सबसे पहले इमो फैक्टर में आता है वो होता है तुम्हारा रिग्रेट। इट इज़ द थिंग विच इज़ इन एक्सेस, इट विल डिस्ट्रॉय यू, ठीक है, इट विल डिमोटिवेट यू, इट विल डिप्रेस यू। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये रिग्रेट, ये जो चीज़ होती है ना, ये एक लिमिट तक तुम्हारे लिए सीमित, जो लिमिट तक तुम्हारे लिए सही रहेगी, और अगर उससे ये क्रॉस कर रही है तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा रिजल्ट है वो उसको और गिराने वाली है, बढ़ाएगी नहीं, ये याद रखना, ठीक है, कि रिग्रेट करना छोड़ दो, रिग्रेट करना चाहिए। यस, हम अगर गलती करें तो उसके ऊपर रिग्रेट होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि भाई मैंने गलती की है, अब इसको सुधारा जाएगा। ये नहीं कि मैंने गलती की है तो अब गलती के लिए हम सिर्फ रोते रहें, हम उसके लिए रिग्रेट फील करते रहें, ये नहीं सोच रहे कि उसको सुधारना कैसे, ठीक है। टाइम तुमको रोने में नहीं सुधारने में लगाना है, तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। रिग्रेट हमें भी हुआ था, मेरा भी एग्ज़ाम्स जब एकदम ख़राब हो रहे थे, ठीक है, 11th हमारा लगभग ही बर्बाद हो रहा था, रिग्रेट हमें भी था कि भाई 11th है और अगले साल 12th है, क्या करेंगे हम, पूरा रिजल्ट ख़राब हो चुका है एंड अब क्या किया जाए। बट अगर मैं वहाँ पे रिग्रेट करने लगता तो मेरा 12th का जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता, ठीक है। एंड वो सब चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में बढ़ते बढ़ते, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे खोली जाएगी, ठीक है, हर एक चीज़ तुमको यहाँ पे बताई जाएगी। तो देखो, रिग्रेट फील जो कर रहे हो, ठीक है, एक लिमिट तक करना, उससे ज़्यादा मत करना, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। छोटा सा अगर तुम्हें रिग्रेट फील करना ना, पूरे 24 घंटे होते हैं दिन में, आधा घंटा कमरे में बंद करके कस के रो लो, एंड फिर वो 23.5 घंटे हैं वो सिर्फ इन चीज़ों में लगाना कि तुमको आगे इम्प्रूव कैसे करना है, कहाँ पे तुमने गलती की है उन्हें लिखो, उन्हें इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है, और क्या क्या गलती अब तुमसे नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड दूसरा जो तुम्हारा फैक्टर्स आता है वो होता है जेलस भाई, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना भैया, दिमाग में याद ही नहीं आ रही, एकदम गायब हो गई है, ठीक है। जेलसी, ये एक चीज़ अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इमो फैक्टर में आता है, ठीक है, कि देखो जेलसी एक हद तक नहीं वाला जेलसी तो होनी नहीं चाहिए, बट हाँ भाई हम सब जेलस हैं, ठीक है, एक ना कि किसी ना किसी के जेलस होते हैं भाई, अगर मेरी 3rd रैंक आ गई, अगर मेरी 2nd रैंक आ गई तो मेरी 1st क्यों नहीं, मेरी 20 आई तो मेरी 19 क्यों नहीं, मेरी 15 क्या अब अपनी मेरी टॉप 10 में क्यों नहीं, ठीक है, ये सब सबके अंदर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ के अंदर एक फैक्टर है कि तुम्हारा तो फ्रेंड सर्कल, ठीक है, अगर तुम्हारे फ्रेंड में, फॉर एग्जांपल तुम्हारे टीम ग्रुप का फ्रेंड है, अगर उसमें से तुम्हारी आई रैंक 10 आई है, तुम्हारे दोस्त की रैंक आई है 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 वाला जो दोस्त है, ठीक है, अगर तुम्हारी रैंक आई है 5 और तुम्हारे जो दोस्त है दूसरा उसकी रैंक आई है 10, तो ये नहीं तुम उस फ्रेंड को छोड़ो, ठीक है, ये जेलसी फील बिल्कुल मत करना कि भाई अब तो मेरे मार्क्स आ गए एकदम अच्छे, 5th रैंक आ गई, मेरे अंदर घमंड आ गया, भाई अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, अब मैं उनसे बात करूँगा जो मेरे से ऊपर है सर, ये मत करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वही तुमको काम आने वाले हैं, बिकॉज कभी कभी होता है हम
टीचर्स पढ़ रहे हो शायद हमें नहीं समझा, हम अकेले पढ़ रहे हो हमें नहीं समझा, बट कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है जब हम उनके साथ पढ़ रहे हैं उनको समझा रहे होते हैं तो हमको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रही होती है। तो कहीं ना कहीं वो भी तुमको चाहता है जो तुम्हारा फ्रेंड था जिसकी 10th रैंक आई है और तुम्हारी 5th आई है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसको चाहोगे कि भाई मुझे ये बता दे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं तुम हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकते, वो भी हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसा है तुमने वो चीज़ एकदम बेसिक चीज़ हो तुमने छोड़ दी हो बट उसने वो की हो, तो वो चीज़ कौन समझाएगा, तुम्हारा फ्रेंड ही समझाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये दोनों फैक्टर कभी भी मत आने देना, अगर इनमें से पहला वाला आ रहा है ना तो ठीक है आने दो, बट उसको एक लिमिट तक रखना, बहुत छोटी लिमिट तक रखना, उससे ज़्यादा बढ़ने मत देना, और इसको तो भाई एकदम रिमूव ही कर दो अगर ये, ठीक है। बिकॉज यही चीज़ शायद तुमको यहाँ पे दिक्कत करी होंगी हाफ ईयरली में, तुमने सोचा होगा भाई अब तो मेरी रैंक अगर आ गई, मेरे 10th में अच्छे रिजल्ट आए होंगे, अब तुम्हें लग रहा है कि स्टार्टिंग में अच्छे रिजल्ट आएगा, तुम्हें लग रहा होगा भाई अब क्या करना, ठीक है अब तो कोई वही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, तो उस वजह से तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो नीचे गिर गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। ये दो फैक्टर्स हो गए, अब हम आते हैं स्टडी फैक्टर्स पे। स्टडी फैक्टर्स पे सबसे पहला जो तुम्हारा आता है, ठीक है, सबसे पहला होता है एनालाइज। एनालाइज क्या करना है भैया, एनालाइज द सब्जेक्ट, जो भी तुम सब्जेक्ट अब पढ़ रहे हो, ठीक है। ये इमो फैक्टर सोच के अब हम आते हैं स्टडी फैक्टर्स पे, ठीक है, वही चीज़ें। सबसे पहले एनालाइज करना होगा तुम्हें अपने सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या तुम साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, या तुम SST पढ़ मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ लो, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम SST पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या लेंगे, उसे हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसे हम एनालाइज करेंगे, उसे समझेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट में है क्या, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, और जो चैप्टर्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी थीम क्या है, वो उसमें बताया किसके बारे में गया है, कौन नहीं है, कौन है, ठीक है, वो सब चीज़ों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, कि एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें गलती मैंने क्या कहाँ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारे चैप्टर्स फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 था, तुम्हारा एग्जाम हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए अभी तक, ठीक है, अब तुम क्या करो चैप्टर 1, 2, 3 में अपना क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है, और देखो यहाँ पर मैंने गलती कहाँ कहाँ की है, जहाँ जहाँ गलती की है उनको मार्क कर लो किसी भी पेन से या डार्क पेन से, और फिर उन्हें क्या करो दोबारा से रिपीट करो, उन्हें क्या करो दोबारा से रिपीट करो, रिपीट मतलब क्या है, उन्हें दोबारा से करो, गलतियाँ नहीं रिपीट करनी है तुमको, वो चीज़ करनी है सुधारनी है, उसको दोबारा से एक बार देख के करो, फिर दोबारा बिना देखे करो, ऐसे करते करते वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और इससे पहले अगर तुमने ये नहीं देखा ना, इससे पहले वाली वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख, या तुम एक किताब शॉर्ट फिल्म जो मैंने बनाई तुम सबके लिए बहुत ज़्यादा एकदम बेस्ड तुम्हारी पढ़िए बेस्ड एकदम करंट सिचुएशन पे, तो जाके जरूर देखना कि जो फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर नहीं आ रहा SST तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आ रही तुम्हें, या मैथ्स अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो तुम्हें क्या करना, फॉर एग्जांपल मैथ्स में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, अब तुम क्या करो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं आता होगा, कोई ना कोई चीज़ आती एटलीस्ट वो टेबल तो आती होगी, टेबल तो आती होगी, ठीक है, या उसके कुछ क्वेश्चन आते होंगे, तो तुमको क्या करना उन क्वेश्चन को लगाने लगा, क्वेश्चन को बिना देखे लगाना है ना, तुम्हें आता है इसलिए तुम वो कर रहे होगे, जब तुम कर रहे होगे तो उसको थोड़ा एक्सेस में करने लगना, ठीक है, जब वो तुम ढेर सारे क्वेश्चन करने लगोगे तो तुम बोर हो जाओगे, बिकॉज वो तुम कर रहे हो आसानी से तुम्हें आता है, तो खुशी भी होगी बट कुछ टाइम बाद बोर हो जाओगे, तो तुम क्या करो लाओ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके देखना, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड बट थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा, ऐसे करते करते जब तुम आओगे जो पिछले वाली चीज़ें हैं जो तुम्हारी आसान चीज़ें जो तुम्हारी स्ट्रांग है और जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उन दोनों को जब तुम कनेक्ट करोगे तो तुम्हें वो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा कनेक्ट द कॉन्सेप्ट, कनेक्ट द कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो बहुत पहले वीक थी, अब थोड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी है, तो मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि मुझे जो पहले की मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ नहीं आता जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मुझे आता था बेसिक चीज़ आती थी बट जो मेन हाई जो ऊपर हाई लेवल के क्वेश्चन थे या कन्वर्जन हो गए बड़े बड़े वो नहीं आ रहे थे, तो मैंने क्या किया उन दोनों को पहले क्या किया मैंने उसमें बेसिक जो चीज़ें थी, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले जो एल्केन एल्काइन्स के उनको मैंने लर्न कर लिया, अब जो क्वेश्चन बड़े वाले थे उनमें से उनको रिलेट करना चालू कर दिया, जब रिलेशन मिलने लगा तो पहले मैंने वही आसान वाले कर लिए, अब थोड़ा सा बोर हो चुका था तो मैंने थोड़ा सोचा लाओ अब हार्ड वर्क वाले करके देखते हैं, तो मैंने उनको भी किया, अब वो होने लगे, जब मैंने रिलेशन करना चालू किया कनेक्ट किया तो मुझे वो समझ आने लगा, एंड इस तरह से मेरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी सुधर चुकी है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो उसको बेसिक चीज़ें से रिलेट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ है वो बेस से ही बनती है, एकदम से जो बिल्डिंग है वो खड़ी नहीं होती, उसके लिए सबसे पहले ईंटा लगाना पड़ेगा, पहला ईंटा तभी उसके ऊपर दूसरा लगाओगे, दूसरे तीसरे स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। वैसे तुम्हें क्या करनी है, भले वो बड़ा क्वेश्चन बट उसमें बेसिक चीज़ें कुछ ना कुछ तो तुम्हें आता होगा, कुछ ना कुछ तो डिटेल होंगी ना, वो तुमको क्या करना है कनेक्ट करना और फिर उस तरीके से तुमको समझना है, और वो कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है तुमको, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं सोने पे सुहागा, ठीक है, अगर ये चीज़ें तुम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया कनेक्ट किया और फिर इससे क्या किया इंप्लीमेंट किया, ठीक है,
इंप्लीमेंट किया, मतलब इसको प्रैक्टिस कर लिया। अब इन चीज़ों को अगर तुम इस समय में कर रहे हो, ठीक है, पीएच में कर रहे हो, पीएच मतलब क्या हो गया, प्रोडक्टिव आर। प्रोडक्टिव आर के बारे में मैंने बहुत पहले भी बोला है और आज भी बोला, प्रोडक्टिव आर तुम्हारे 24 घंटे में से कोई भी एक घंटा उठा लो वो तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव आर होगा। कोई भी एक घंटे का मतलब है वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो एक घंटा है क्या। पूरा दिन एक दिन पूरा बैठो, एनालाइज करो कि मेरा दिमाग किस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव है या किस एक घंटे में मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें समझ आई, एंड दैट विल बी योर प्रोडक्टिव आर। ठीक है, वो प्रोडक्टिव आर तुम्हारा होगा और उसी में क्या करना, यही चीज़ों को करो। जब इन चीज़ों को, कि बिकॉज ये कहीं ना कहीं तुमको एक तरीके से हेल्प करने वाली है कॉन्सेप्ट को लर्न करने में। ठीक है, ये इजी कर दी तुम्हारे कॉन्सेप्ट को लर्न करने में, अब उस इजी को और इजी करने के लिए और सही तरीके से हम दिमाग में बैठाने के लिए उस चीज़ों को प्रोडक्टिव आर में करने लगो। अब मैंने क्या किया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने ये चीज़ें अप्लाई की, एनालाइज किया, कनेक्ट किया उसको कॉन्सेप्ट को ओल्ड वाले से, बेसिक वाले से, एंड उसे इंप्लीमेंट किया। अब मैंने ये क्या किया, ये सारे क्वेश्चन मैंने एक रफ में लिख लिए। अब मेरा जो प्रोडक्टिव आर था, मतलब सुबह के 6 से 7, ठीक है, जो कि मेरा बस में होता है बिकॉज हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो मेरा 6 से 7 एक घंटे का ड्यूरेशन, मतलब 1.5 घंटे का ड्यूरेशन, बट मेरा जो 6 से 7 वाला है, ठीक है, मैं बस में रहता हूँ, तो वो जो मेरा प्रोडक्टिव आर है, ठीक है, वही मेरा प्रोडक्टिव आर है। तो मैं क्या करता हूँ, रोज़ बस में केमिस्ट्री पढ़ता था, एग्जाम से पहले रोज़ बस में केमिस्ट्री पढ़ के जाता था, इसलिए वो जो मैंने ये किया और इसको और ईजी बनाने के लिए मैंने उसको प्रोडक्टिव आर में कन्वर्ट कर लिया, और उस तरीके से मेरा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेरे बढ़ गए मार्क्स। अब मैं तुमको मार्क्स बता ही देता हूँ, ठीक है, पहले मेरे आए थे 39 मार्क्स आए थे, ठीक है, पहले मैंने 80 में मेरे 39 आए थे, सॉरी 80 यानी 70 में मेरे 39 आए थे, एंड अब 52 आए हैं। मीन्स मैं ये नहीं कहना मैं टॉपर बन गया, बट हाँ, जो मैंने पिछली बार से किया था उससे मेरा अपग्रेड हुआ है, नीचे तो नहीं गया ना। अगर मैं इस चीज़ों को और समय दे दूँ तो मेरा वो 52 का 62 बन सकता है, 68 बन सकता है, बन सकता है कि नहीं। तो वैसे ही तुमको क्या करना, अपनी चीज़ों को भी, जो तुम्हारा बेसिक, जो तुम्हारा रिजल्ट खराब हो चुका है, अब उसको तुम अच्छा बना सकते हो। क्या करना है, एनालाइज करो, कनेक्ट करो कॉन्सेप्ट को, तीसरा इंप्लीमेंट करो। अब इन चीज़ों को सोने पे सुहागा करने के लिए इसको प्रोडक्टिव आर में अप्लाई करो, तुम्हारा रिजल्ट जो तुम्हारा बनेगा वो 90+ बन जाएगा, वो तुम्हारा रिजल्ट जो है 90+ बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें करनी होंगी स्टडी फैक्टर्स में। अब कंक्लूजन देखते हैं, अब कंक्लूजन तुम्हारा क्या बना, पहले जो तुम्हारा रिजल्ट आया था कितना परसेंट आया था, 60%, 50%, ठीक है, ये तुम्हारा कंक्लूजन बना। आखिरी में रिजल्ट हम कह सकते हैं, कंक्लूजन उसी कहते हैं। इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट कितना बना, 70+, 80+, 90+, अगर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो कंक्लूजन तुम्हारा बेटर हुआ कि नहीं, कंक्लूजन तुम्हारा बेटर हुआ कि नहीं, रिजल्ट तुम्हारा बेटर हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो यही चीज़ें तुमको यहाँ पे फैक्टर्स ये जो हैं ये तुमको क्या करना है, ऐड इन योर लाइफ। लाइफ का मतलब जो तुम्हारा डेली रूटीन है, इसका मतलब जो तुम्हारा डेली रूटीन है उसे ऐड करो। ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो आखिर क्लास 10th तुम्हारा एग्ज़ाम जो है ख़राब हो गया, हाँ फिर तुम्हारा आधा साल क्लास 10 का ख़राब हो गया, तुम्हारा क्लास 11 का, क्लास 12 का, तो तुम्हारा वो है साल वो आधा ख़राब हो चुका है, बट अभी भी टाइम है, उसको तुम सुधार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मार्च में मेरे 11th का फाइनल एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 11th का फाइनल एग्ज़ाम हुआ, एंड रिजल्ट वॉज नॉट गुड, ठीक है, बहुत ख़राब रिजल्ट आया था, मतलब इतना भी नहीं कि हम फेल हो गए, बट हाँ एक एवरेज 60-70 के बीच में तुम रख सकते हो। ठीक है, इतना रिजल्ट आया, ठीक है, अब हम क्या करें, अब मैंने क्या किया उसको, मेरी रैंक जो आई थी बेसिकली मेरी 17 रैंक आई थी 11th के फाइनल्स में, ठीक है, सॉरी 11th के हाफ ईयरली में मेरी 17 रैंक आई थी, ठीक है, और फिर 11th के जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ, मैंने ये सब चीज़ें समझी, एनालाइज़ की, इन सब को थोड़ा समय लगता है, 10th रैंक आ गई, ठीक है, एंड फिर मैंने उसको और अप्लाई किया। अब मेरा 12th का एग्ज़ाम आ चुका था, पहला पीरियोडिक जो कि मेरी 5th रैंक आई, एंड अब मैंने और अप्लाई किया हाफ ईयरली, ये है मेरा 3rd रैंक, अब मेरी 3rd रैंक आई, पहले 17 थी और अब 3rd है, ये भी हाफ ईयरली की थी और ये भी हाफ ईयरली की थी, ये थी 11th की हाफ ईयरली की और ये थी 12th की हाफ ईयरली की। ठीक है, अगर हम देखें ये 17 से 10 भी आना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, 17 से 10 आने भी भाई बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं कोई 17 से 10 नहीं आ सकता। ठीक है, तो आखिर मेरा जो मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अप्रैल या मई से हमारा नया सेशन चालू हो गया, और जुलाई में ही हमारा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो कितना हुआ, अप्रैल में जून, मतलब 2 से 3 महीने ही हमारे पास थे, उसमें मैंने 17 से 10 की, एंड जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर में ही एग्ज़ाम होने थे हमारे, ठीक है, सितंबर में ही एग्ज़ाम होने थे, तो मतलब इधर हमें 1 से 2 ही महीना मिला। ठीक है, 2 महीना लगभग मान के चलो, और 2 ही महीने में ये 10 से 5 से 5 से 3, ठीक है, तो समय मेरे पास भी कम था, मेरे पास तो 1-2 महीने या 3 महीने थे मैक्सिमम मान के चलो 3 महीने, और तुम्हारे पास अभी क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, तो अभी तुम्हारे पास कितने हैं, 5 महीने हैं, या मार्च के जो 4 महीने, फरवरी हम आधा निकाल सकते हैं बिकॉज 15 फरवरी से एग्ज़ाम होंगे, तो फरवरी हम निकाल देते हैं, 4 महीने हैं। अब तुम कहोगे भैया प्री बोर्ड भी दो हैं दिसंबर में, ठीक है,
तो देखो, जब मैं ये 2 महीने में कर सकता हूँ, 12th का सिलेबस इतना ज़्यादा जो होता है, तो तुम 10th का नहीं कर सकते हो, 10th का नहीं कर सकते हो। जब हम 12th का कर सकते हो तो तुम 10th का, तो और अच्छी तरीके से एक महीने में उसको तुम एकदम हथकड़ी, एकदम तुम उसको हाथों पर रख सकते हो, ठीक है, अपनी जवान पे ला सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो अगर करना चाहो तो तुम कर सकते हो, बट इसके लिए क्या, एक स्ट्रॉन्ग SD होना चाहिए। SD मतलब SD कार्ड नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुमको मैटर करेंगी कि अगर मैंने 1 से 2 महीने में करें तो मेरे पास अभी 4 महीने हैं, इन चीज़ों को अप्लाई करो और फिर मुझे प्री बोर्ड जो पहला तुम्हारा होगा दिसंबर में, उसमें बताना प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे आए कि नहीं। बिकॉज मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो बेटर ही होगा, गिरने में नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं 10th आधा बर्बाद हो चुका है, बट अब इस आधे को मैं संभालूंगा, इस आधे को मैं सुधारूंगा, ठीक है। एंड बात रही टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल अगर मैं दूंगा तो सबका कॉन्फ्लिक्ट करेगा, बिकॉज सबका डेली रूटीन अलग है। तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्पलेट मैं बना के दे सकता हूँ, उसको अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल में अटैच कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो अगर तुम चाहते हो वो टेम्पलेट तुम्हें दी जाए, तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय भारत जय हिंद, और हाँ, 4K मानेंगे।